हेलो स्टूडेंट्स चैप्टर नाइन साइंस की फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर एट जो कि मोशन है उसको देख रहे हैं अब तक हमने देख लिया कि डिस्टेंस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्पीड देन वेलोसिटी अब हम देखेंगे कि अगर वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है तो अगर किसी भी वेलासिटी में कोई चेंज हो रहा है तो वो कहलाती है एक्सरेलेशन सो एक्सरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलासिटी विद टाइम एक्सेलेशन तो को हम कैसे लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन अब देखो जो इसकी एस SI यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ठीक है वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकेंड बट जो एक्सेलेशन होती है उसकी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तो कैसे डिनोट करते हैं अगर सपोज मैं कहता हूं मेरी फाइनल वेलोसिटी वी है और इनिशियल वेलोसिटी यू है तो एक्सेलरेशन क्या होगा वी माइनस यू अपॉन टी अब क्योंकि हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है सो तो आपकी जो एक्सेलेशन है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है मतलब इसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है अब इसमें तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एक है यूनिफॉर्म एक्सेलेशन तो हम कहेंगे अ बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलेशन इफ़ इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मतलब अगर एक घंटे में वेलोसिटी चार मीटर पर सेकंड बढ़ रही है तो हर एक घंटे में वो चार मीटर पर सेकंड ही बढ़ेगी तो हम कहेंगे वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है और अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो अ बॉडी हैज़ ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट वेलासिटी इंक्रीजिस बाई अनईक्वल अमाउंट्स ऑफ टाइम इन बाई अन अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मतलब अगर पहले घंटे में चार मीटर पर सेकंड बढ़ी दूसरे घंटे में छः मीटर पर सेकंड बढ़ी तीसरे घंटे में आठ मीटर पर सेकंड बढ़ी तो हम उसको कहेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन है उसके बाद रिटार्डेशन अगर वेलोसिटी इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होती जा रही है मतलब जब हम ब्रेक लगाते हैं किसी चलती कार में तो वेलासिटी क्या होती है उसकी डिक्रीज होती चली जाती है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रिटार्डेशन सो अ बॉडी इज सेट टू बी रिटार्डेड इफ इट वेलासिटी इज डिक्रीजिंग ठीक है सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं इनको आप लिख लीजिए नोट कर लीजिए आपके एग्जाम्स के अंदर ये काम आएंगी तो अब एक्सेलरेशन के ऊपर एक एक्सॉल्ट एग्जाम्पल करते हैं एनसीआरटी का एग्जाम्पल एट है क्या कहता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम एन स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ सिक्स मीटर पर सेकंड इन थर्टी सेकंड्स देन ही अप्लाई ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू फोर मीटर पर सेकंड इन द नेक्स्ट फाइव सेकंड्स देन वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेशन ऑफ बाइसिकल इन बोथ द केसेस ठीक है अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो केस पता है पहला केस क्या है कि जो राहुल था वो स्टेशनरी पोजिशन से चला तो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ स्टेशनरी पोजिशन सपोज ए है इस वक्त जो उसकी वेलासिटी थी इनिशियल वो कहती जीरो स्टेशनरी था रुका हुआ था जब यहाँ से चलता गया वो एक किसी पोजीशन पे पहुंचा इन थर्टी सेकेंड्स तो जो उसकी वेलोसिटी थी एट पॉइंट बी वो कितनी थी सिक्स मीटर पर सेकेंड तो एक तो एक्सीशन मुझे निकालनी है यहाँ पे मैं लेटेस्ट से ए वन ए से बी के बीच में कितनी एक्सीलेशन हुई ठीक है उसके बाद उसने लिखा है क्वेश्चन में कि उसने अब ब्रेक लगाए मतलब बी पॉइंट पे राहुल ने ब्रेक लगाए तो एट पॉइंट सी आके राहुल की बाइसिकल रुक गई यानी अब जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है लेटेस्ट से वी वन वो कितनी हो गई जीरो अगेन स्टेशनरी हो गई ना रुक गई कितने टाइम में रुकी फाइव मीटर पर सेकेंड में सॉरी जीरो नहीं आई है ये फोर मीटर पर सेकेंड पे आई है हमें गिवन है फोर मीटर पर सेकेंड पे आ गई कितने टाइम में फाइव सेकेंड में तो एक एक्सेलेशन हमें यहां पे निकालनी है ठीक है अब देखो टू कैलकुलेट एवन सो एवन क्या होगा वी माइनस यू अपॉन टी वी कितना है सिक्स यू कितना है जीरो टाइम कितना है थर्टी सेकेंड्स तो एक्सलेशन कितनी आ गई सिक्स अपॉन थर्टी दैट इज सिंपल जीरो पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड्स ठीक है नाउ टू कैलकुलेट नाउ टू कैलकुलेट ए टू ए टू क्या होगा वी वन माइनस वी अपॉन टी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी तो क्या है फोर माइनस सिक्स अपॉन फाइव दैट इज माइनस टू अपॉइन फाइव दैट इज माइनस ज़ीरो पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब यहाँ पर जो ये माइनस का साइन है ये क्या शो कर रहा है कि रिटारडेशन हो रही है ठीक है सो द माइनस साइन इज़ जस्ट शोइंग दैट रिटार्डेशन इज देअर तो ये जो माइनस साइन है इट शोज रिटारडेशन भाई वेलासिटी छः से घट के चार रह गई तो क्या हो रही है रिटारडेशन और ठीक है थीके? तो ये था एक्सलेशन चेंज इन वेलासिटी पर यूनिट टाइम ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड्स को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा एग्जाम्पल को अच्छे से देख सकते हैं सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स साथ साथ मिलती रहे थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो थैंक यू